हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डाउरी डेथ को समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हिंदी में दहेज मृत्यु कहा जाता है। इसका प्रावधान आईपीसी की धारा 304 बी में दिया गया है और यह धारा यानी 304 बी 1986 में आईपीसी में जोड़ा गया तथा यह धारा 19/11/1986 से प्रभावी हुआ तथा यह धारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, यानी कि इसके पूर्व में जो अपराध किए गए हैं और वो अपराध यदि इस धारा के अंतर्गत आते भी हैं तब भी इस धारा को उस अपराध पर लागू नहीं किया जाएगा। अब समझते हैं कि दहेज मृत्यु या डाउरी डेथ क्या है। तो पहला तत्व यह है कि किसी महिला की मृत्यु हुई हो, दूसरा उसके मृत्यु का कारण या तो जलना है या कोई शारीरिक चोट है या किसी अन्य असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई हो, और यह मृत्यु तीसरा तत्व होगा, और यह मृत्यु उसकी शादी से 7 वर्ष के अंदर हुई हो तथा यह प्रमाणित हो जाता है, चौथा जो तत्व है, और यह प्रमाणित हो जाता है उसकी उसके मृत्यु के पहले उस महिला के साथ क्रूरता या प्रताड़ना की गई थी। यह क्रूरता या प्रताड़ना उसके पति या उसके पति के संबंधियों द्वारा की गई थी दहेज की मांग के लिए या दहेज की मांग के संबंध में। तो जो कोई भी ऐसा कार्य करता है उसे हम लोग यह मानते हैं कि यह डाउरी डेथ कारित किया है। अब इसकी सज़ा जो है 7 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक है तथा इसमें जो डाउरी शब्द है इसकी परिभाषा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 2 में दी गई है तथा क्रुएल्टी शब्द की परिभाषा आईपीसी की धारा 498A में दी गई है। तो 498A की परिभाषा या 498A के लिए हम लोग एक अलग वीडियो करेंगे जो थोड़ी सी लंबी होगी। तो यदि ये इतने तत्व एक साथ अस्तित्व में आ जाते हैं तो यह माना जाता है कि डाउरी डेथ हुआ है। अब इसी से संबंधित एक प्रिजम्पशन है जिसका प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B में दी गई है। 113B के अनुसार यदि न्यायालय के समक्ष यह सवाल पैदा हो कि क्या कोई व्यक्ति किसी औरत का दहेज मृत्यु कारित किया है और यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि उसके मृत्यु के पहले उसके साथ क्रूरता या प्रताड़ना की गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा, तथा यह प्रताड़ना दहेज की मांग के लिए या दहेज की मांग के संबंध में की गई है तो यह माना जाएगा कि यह कोर्ट जो है मान लेगी कि ऐसा ही यही व्यक्ति डाउरी डेथ कारित किया है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा प्रयास था हम लोग का कि डाउरी डेथ के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो इंग्रेडिएंट्स हैं और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।